बाजार में क्या होता है, बहुत लोगों को कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाता है कि मोनोपोली, ओलिगोपोली और डिओपोली में अंतर क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होता है? Only few sellers are there in the market. There in the market, जैसे कि 1, 2, 3, 4. More than 2, less than 10. More than 2 or less than 10. तो यहाँ कितने लोग हैं? 4 हैं, 2 से अधिक होते हैं और 10 से कम होते हैं। तो अभी यहाँ पे 4 हैं, तो ये 4 लोग बेचने वाले हैं और बाकी लोग खरीदने वाले हैं। बाकी लोग क्या हैं? खरीदने वाले। 2 से अधिक और 10 से कम जब संख्या होगी बेचने वालों की, विक्रेताओं की, तो वो कौन सा मार्केट होता है? ओलिगोपोली। कौन सा होता है? ओलिगोपोली। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 4 होते हैं, अब क्या है, 2 लोग बैठे, 2 लोग उधर बैठे। अब हमारे पास देखो क्रेताओं की संख्या बढ़ी है परंतु बेचने वालों की संख्या कितनी है? 2। 2 है, तो ये कौन सा मार्केट बनेगा? डुओपोली। डुओपोली दिया जाएगा जहाँ पे सिर्फ खरीदने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, बेचने वाले मार्केट में सिर्फ 2 होते हैं। तो ऐसे बात आप क्या कहते हैं? यहाँ पे पूरे मार्केट में क्या है, सिर्फ 2 लोगों का ही अधिकार होता है, 2 के पास ही प्रोडक्ट है बेचने का। चलो बेटा बैठ जाओ, ये गाओ अंकल। अब देखो मार्केट का सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी वो बात करते हैं प्राइस डिटरमिनेशन का। अब खरीदने वाले कितने हैं? बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, बेचने वाले कितने हैं? एक ही व्यक्ति के पास ये प्रोडक्ट मिलेगा, अन्य किसी व्यक्ति के पास ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसकी इच्छा है, ये जो मोनोपोली में जिसने अपना अधिकार जमा के बैठा है, इसकी इच्छा है कि ये अपनी वस्तु को किस कीमत पर बेचेगा। क्या इस पर किसी का जोर चलेगा? नहीं। इसकी इच्छा है तो बेचेगा, इसकी इच्छा है तो नहीं बेचेगा। अगर आपकी आवश्यकता अधिक है, ठीक है, तो आप इसको किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए क्या हो जाओगे? तैयार हो जाओगे। जैसे कि एक फिल्म आई थी ना, ओम जय जगदीश। यस सर। बहुत पुरानी फिल्म थी। ठीक है, एक भाई रेसर बनता है, एक भाई टी सीरीज की कैसेट बेचता है, एक भाई स्पोर्ट्स कार बनाता है। ठीक है, तो वो जो स्पोर्ट्स कार बनाता है और उससे जो भी पैसा मिलता है उससे भी वो लोग घर नहीं खरीद पाते, टी सीरीज कंपनी बेच कर भी उतना पैसा नहीं कमा पाते। परंतु एक भाई जिसने सॉफ्टवेयर बनाया होता है ओम नाम का, ठीक है, हैकिंग को रोकने के लिए, ठीक है, उसने उसकी कीमत रखी थी कि इस सॉफ्टवेयर के बदले में मेरे को वो निवास विला चाहिए, उसका वो विला चाहिए था, तो वो एक्सचेंज ऑफर था जो भी था। बट यहाँ पे क्या है, मोनोपोली है, एक व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति के पास पूरा अधिकार है कि ये किसी भी कीमत पर उसको बेच सकता है और नहीं बेच सकता है। बाजार में सिर्फ बेचने वाला एक ही होता है। चलो अगर किसी की कीमत लगा दी, इस वस्तु की कीमत लगा दी, तो कौन कितनी कीमत लगेगी बताओ? 50 रुपीज। क्या इसको देंगे? 50 रुपीज में देंगे। परंतु अगर इसके सामने कोई अन्य प्रस्ताव आ जाए, जैसे 60 रुपीज, और तो अब यहाँ से ये ट्रांसफर होकर किसके पास चला जाएगा? अगर वहां से भी ट्रांसफर होना है तो किसी एक व्यक्ति को कीमत अपनी हाई करनी पड़ेगी। अब ये देखो यहाँ पे यही होता है, अगर मान लो इसने एक कॉपी 30 रुपए की खरीदी है, कितने की? 30 रुपए। देखो इस वस्तु का कीमत बढ़ रहा है परंतु इसका मूल्य नहीं बढ़ेगा। क्यों? ये 30 रुपए की है तो 30 रुपए के मूल्य के बराबर ही इसकी रहेगी गुणवत्ता। वो आपकी आवश्यकता है कि आप इसे महंगे दाम पे खरीद रहे हो, परंतु जो इसका एक्चुअल मूल्य है, जो इसकी वैल्यू है, वो तो 30 रुपए के बराबर है ना। बात समझ रहे हो? हाँ, महंगा इसलिए मिलता है क्योंकि बाजार में कहीं और नहीं। ठीक है, तो ये तीनों में अंतर है।